हमने देखा है जो इकोनॉमिस्ट और बिजनेस कम्युनिटी है वो तो इस बजट को लेकर तनकीद कर रही है, वो कह रहे हैं कि गैर हकीकी बजट है। IMF ने भी कहा है कि एक बेहतरीन मौका था टैक्स नेट को बढ़ाने का, ब्रॉड बेस करने का, लेकिन वो मौका गवा दिया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में है, तो फिर आप लोग क्यों तनकीद कर रहे हैं? आज बिलावल साहब ने कहा है कि हम वोट नहीं देंगे इस बजट में अगर सिंध को सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स ना दिए गए, और आपने भी कल ये कहा है कि ये गैर हकीकी बजट है, हमें कहा गया था इसमें मुश्किल फैसले करेंगे लेकिन कोई मुश्किल फैसला नहीं किया गया है। क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या मुश्किल फैसले होने चाहिए थे इस बजट में? जो मैंने इतराज डाले वो बहैसियत फाइनेंस कमेटी की मेंबर, मुझे 15 साल हो गए हैं और हर 5 साल में मुझे पार्टी मधु करती है कि मैं इस कमेटी में बैठूं, तो बहुत क्लोजली चीज़ों को देखने का मिलता है। कमेटी, फाइनेंस कमेटी का रोल ये है कि प्री बजट हम लोग कुछ हियरिंग्स करते हैं और उसमें जो कानून कहता है वो हुकूमत को अपना बजटरी फ्रेमवर्क अप्रैल के महीने में फाइनेंस कमेटी को दिखाना होता है, जो इस दफ़े नहीं हुआ। तो एक तो मैंने वो सवाल किया, दूसरा बहुत क्लियर सवाल है कि हमारा गुज़िश्ता कई सालों से IMF के साथ जब भी हम स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में होते हैं तो हमें बहुत फिस्कल टाइटनिंग करनी होती है और अपने जो अखराजात हैं उनको भी बहुत महदूद करना होता है, ऑस्टेरिटी दिखानी होती है और हमें फिस्कल डिफिसिट जो है वो IMF की शरायत होती हैं। इस बजट में मुझे यही सवाल था, बहुत कॉमन सेंस सवाल था। मेरा ये बेहरगिस मकसद नहीं है कि हम अपने एलाइज को एम्बेरस करें, लेकिन हमारे लिए मुल्क जो है वो, वतन जो है वो ज़्यादा अजीज़ है, तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं थी। मेरा सिर्फ ये सवाल था कि आप 14,000 अरब का जो आपने एक्सपेंडिचर इस बजट का इतना एक्सपैंड कर दिया अपने बजट को और एक्सपेंसेस आपने इतने एक्सपैंड किए हैं जिसमें आधे से ज़्यादा तो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स करेंगे और फिर जो आपका जो जितना टैक्स आप जनरेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट पेमेंट्स करेंगे, तो बाकी जो आप जो और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आप खसारे में कर रहे हैं, वो आप डेट अपना जो कर्जाजात आप ले रहे हैं, तो अब उससे तो इतने आपने फजूल खर्चियां इसमें की हुई हैं और उसमें ये नहीं लगता कि कोई आने वाला, इस वक्त हम अगर आप पाकिस्तान के पस मंज़र देख लें तो हमारे पास वही पिछले 6 माह से $4 अरब से ज़्यादा स्टेट बैंक के पास नहीं रहते डॉलर, तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो 1 माह का है। तो जब इतनी अर्जेंसी है, इतना अलार्म बेल्स है, वी आर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि कोई ऐसी सीरियसनेस इस हुकूमत में हो कि हम टैक्स बेस बढ़ाएं, हम अखराजात कम करें, हम ऐसा बजट दें जिसमें फिस्कल डिसिप्लिन हो, एफ को भी काबिल कबूल हो, लेकिन हमें अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए भी कुछ बेहतर हो। आप कह रहे हैं कि ये मौका था कि हम टैक्स बेस बढ़ा सकते थे, अपने जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको लाते, क्योंकि हालात इस नहज पर पहुँच गए। तो क्या वजह है आपके ख्याल में कि हुकूमत ने ये इकदाम नहीं लिए? एक जो इकोनॉमिस्ट हजरात की राय है वो तो ऑब्वियस है कि इलेक्शन का साल है, तो इस साल में कैसे हो सकता था कि हुकूमत अपने अखराजात कम करती या फिर टैक्सेस को मजीद बढ़ाती? ये वही डार साहब बता सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी सवाल उठता है कि हुकूमत के पास तो सिर्फ 2 माह है, तो ये अगर इलेक्शन का बजट होता तो वो तो हुकूमत अगर आने वाले साल के आखिर में लाइक जून, नेक्स्ट ईयर जून के लगभग इलेक्शंस होते, फिर तो ये सेंस था कि आप इतना इसमें जो आपने अखराजात दिखाए। और अच्छा, ये भी मैं कहती हूँ कि चलूँ कि इसमें बजट में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, ये नहीं है कि सिर्फ ये बिल्कुल हमें क्लियर कट, और ये जो माहिर हैं मैंने भी उनसे ही ये स्किम किया है, जो अखबारात के तज्जिए हैं, जो बिजनेस काउंसिल्स के तज्जिए हैं, जो फेडरल चेंबर और प्रोविंशियल और कराची चेंबर के तज्जिए हैं, वो उनसे ही हमने ये स्किम किया है कि मार्केट का ओपिनियन क्या है कि ये रियलिस्टिक बजट नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये भी बहुत कहने की ज़रूरत है कि जैसे IT का शोबा है, जैसे SMEs हैं, जैसे ज़राअत है, उसमें हुकूमत ने इंसेंटिव्स दिए हैं। जिस दिन बजट पेश हुआ हमारे कुछ मेहमान मौजूद थे और वैसे ये रिपोर्ट भी हुआ कि जो सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है 30 से 35%, पेंशन में इजाफा किया गया है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इसरार पे किया गया है। फाइनेंस में से सागराज साहब इतना इजाफा नहीं करना चाहते थे लेकिन आप लोगों ने प्रेशराइज किया, पुश किया कि इजाफा करें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस महंगाई के दौर में जो BISP है
उसमें सिर्फ 50 से 60 अरब रुपए का इजाफा है, यानी कि जो मुआवजा मिल रहा है उसमें कोई इजाफा नहीं है, शायद जितने लोग उस नेट में आते हैं जिनको BISP मिलता है उसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये तो पीपल्स पार्टी पर डाला जा रहा था कि आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से अखराजात बढ़े। मैं भी बहैसियत वर्कर चाहूंगी कि सरकारी मुलाजिम जो हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ें, पेंशंस बढ़ें, लेकिन हकीकत पसंदाना आफ्टर ऑल जो फैसला साजी है वो तो इख्तियारात जो है वो PMLN के पास है और वजीर खजाना के पास है, और उसको ये पता है कि हमारे पास वो स्पेस कितना है, फिस्कल स्पेस कितना है। लेकिन अगर हम तनख्वाहें बढ़ाएं 35% और वो तनख्वाहें के लिए जितने अखराजात हैं वो हम कर्जेजात लें और उससे सूद दर सूद और चढ़ता आए, तो क्या ये फैसले तो फिर वजीर ख़जाना के हैं। पेंशन्स जो है वो बहुत अच्छी बात है, वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए रियासत को, लेकिन हकीकत पसंद भी हमें होना चाहिए। क्या ये फैसला फिर वजीर खजाना इसहाक डार साहब का था कि हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इतना इजाफा करना है जबकि BISP में हमें 10 से 15% इजाफा करना है, ये पीपल्स पार्टी का फैसला था? ये ट्रेड ऑफ नहीं है। मैंने जो सवाल पूछा तो वो उन्होंने तो खुद उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया कि हम समझते हैं कि ये तबका जो है वो पीछे है और इसके लिए इन्फ्लेशन को हमें मैच करना है। ये अपनी जगह बिल्कुल हकीकत है, लेकिन आप अगर प्राइवेट सेक्टर को देखें तो हजारों लाखों लोग तो प्राइवेट सेक्टर में हैं, और वहाँ आपने LSM को लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप देखें, आप टेक्सटाइल देखें, तो मेरे एक अंदाजे के मुताबिक तो आपके तकरीबन 70 लाख के लोग बेरोजगार हुए इन चंद सालों में। जब आपके पास अगर ट्रेड ऑफ हो तो आप इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, जहां पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तो वहां पर है जी, तो